ऐसा क्यों है कि जब कुछ लोग सुबह बेड से उठते हैं पूरी तरह एंथुसियास्टिक एक्साइटेड एंड लाइफ को लुक फॉरवर्ड करते हैं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने आप को पुश करके उठते हैं, अपने आप से लड़ते हुए उठते हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ परसेंटेज ऑफ लोग, चुनिंदा लोगों को अपनी लाइफ का मीनिंग, अपनी लाइफ का पर्पस पता होता है, जबकि हम में से मैक्सिमम लोगों को इसका कोई भी आइडिया नहीं होता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा जापानीज कॉन्सेप्ट जो आपकी मदद करेगा आपकी लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट करने में। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इकिगाई, और मैं आपको बताने वाला हूँ इस जापानीज बुक इकिगाई से 10 ऐसे कॉन्सेप्ट जो अगर आपने अपने लाइफ में अप्लाई कर लिए, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। So stay tuned till the end. Hello दोस्तों, मेरा नाम है हरितो श्रीवास्तव। I am a public speaking and storytelling coach, certified mentor and author of amazing bestseller. हर हफ्ते हम आपके सामने एक नया YouTube वीडियो लाते हैं ताकि आप कुछ नया सीख सकें, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, लाइफ का पर्पज हो या ऐसा ही कोई और कॉन्सेप्ट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ऐसा कोई टॉपिक जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, ऐसा कोई मामला जिसको आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्लीज़ जो भी पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऐसे कुछ भी कॉन्सेप्ट हो, या आप मुझे किसी बुक के बारे में बात करना चाहते हैं, प्लीज़ कॉमेंट में लिखिए। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर ध्यान दूँ, उसको एनालाइज करूँ, और अगर मुझे कोई भी ऐसा चीज़ लगा जिसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत है, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो इकिगाई का कॉन्सेप्ट है, इकिगाई का मतलब होता है हैप्पीनेस ऑफ बीइंग बिजी। ऐसे क्यों है कि आप जब आप बिजी रहते हैं आप खुश रहते हैं? तो जापान में एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है ओकिनावा, जो कि साउथ ऑफ जापान में है, जहाँ पे पाया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 24 लोग ऐसे होते हैं जो कि 100 की एज को क्रॉस करते हैं हर लाख में। तो अगर 1 लाख सिटीजन है, उसमें से 24 लोग होते हैं जो कि 100 की एज को पास करते हैं, जिनको सेंटेनेरियन भी कहते हैं। और ये नंबर दुनिया का हाईएस्ट है जापान में। बहुत ही रेयरली, कहीं पे आपने देखा होगा, बहुत ही रेयर होता है कि कोई 100 का एज क्रॉस कर रहा हो, बट जापान में ऐसा है कि हर लाख लोगों में 24 लोग हैं जो 100 की एज को क्रॉस करते हैं। 80-90 तक तो वहाँ कॉमन एज होती है। तो दो लोग, हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मेरेल्स ने रिसर्च किया। वो ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने एक जगह पाई जापान में जिसका नाम है ओगिमी, जहाँ पे उन्होंने पाया कि यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हाईएस्ट है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये बुक बनाई इकिगाई, जो कि करीब 149 पेजेस की बुक है। और आई वुड से कि अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो आप मैक्सिमम 1 वीक, और अगर आप वोरेशियस रीडर हैं, आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं, तो आप तो इनफैक्ट 1 से 2 दिन में भी ये बुक खत्म कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बुक है। और आईएस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो जब हम इकिगाई की बात करते हैं, तो बेसिकली इकिगाई एक उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है जापान में, जिसमें कि 4 अलग अलग टाइप की चीजें हैं, 4 अलग डायमेंशन कह लो, 4 अलग एस्पेक्ट कह लो, जिसको कवर करता है। तो इट्स लाइक अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो, तो इसमें ये 4 सर्कल बने हुए हैं। पहला है कि व्हाट यू लव, आपको क्या करना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको कोडिंग करना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, ऐसी क्या चीज है जो आपको पसंद है, दैट इज द फर्स्ट सर्कल। द सेकेंड सर्कल इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। अगर आपको पढ़ना पसंद है, क्या दुनिया को बुक पढ़ने वालों की जरूरत है कि नहीं है? अगर आपको खेलना पसंद है, क्या आपके नेशन को, क्या दुनिया को खिलाड़ियों की जरूरत है? दो सेकेंड व्हील, आप इसको यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ व्हील। तो सेकेंड सर्कल उस व्हील का आता है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या जरूरत है। तो थर्ड चीज है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ऐसा क्या है जो आपको सस्टेनेबल बना सकता है, ऐसा क्या है कि जिससे आप पैसे कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोडर हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं, तो कोडिंग कैन हेल्प यू अर्न मनी। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आप अपना ऐप कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। और जो चौथा सर्कल है विच इज कॉल्ड व्हाट यू आर गुड एट, तो आपको पसंद तो बहुत है, दुनिया को भी जरूरत है, आपको पैसे मिल सकते हैं, बट अगर आप उसमें अच्छे नहीं है, यू कांट सस्टेन। और इन चारों व्हील्स के करिस्पॉन्डिंग, अगर जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं,
वहां पे आते हैं चार कॉन्सेप्ट, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन एंड पैशन। जो आप व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स कैन बी योर मिशन, जो दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आप पेड भी हो सकते हैं, दैट कुड बी योर वोकेशन, जिसके लिए आप पेड हो सकते हैं और आप जो बहुत अच्छे हैं, दैट इज प्रोफेशन, एंड जिस पे आप बहुत अच्छे हैं और जो आपको बहुत पसंद है, दैट कैन बी योर पैशन। और अगर आप इस डायग्राम के बीच में देखेंगे, दिस इज वेयर द इकिगाई कम्स। सो बेसिकली इकिगाई इन सब का मिक्सचर है, जिसमें आपको वो चारों चीज मिल जाती है, आपको क्या पसंद है, दुनिया को क्या चाहिए, आप किसके लिए पेड़ हो सकते हैं और आप किस चीज में अच्छे। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं, हर किसी का इकिगाई अलग अलग होता है। हो सकता है आपको अपना इकिगाई बहुत पहले से पता हो, या ये भी हो सकता है कि आपको अपना इकिगाई अभी पता ही नहीं है, एंड दैट इज ओके। व्हाट इट इज ऑल अबाउट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट जर्नी। कुछ लोगों को कुछ महीने, कुछ हफ्ते में पता चल जाता है, कुछ लोगों को साल और कुछ लोगों को डिकेड्स या दशक भी लग जाते हैं। दैट डज नॉट मैटर, वॉट मैटर्स इज कि आप उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई। और इसमें, इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे जापानीज लोग अपने इकिगाई पे काम करते हैं, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर इकिगाई, दे आर ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड देयर इकिगाई, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दे आर इंजॉइंग वर्किंग ऑन देयर इकिगाई। सो इफ वी कैन फाइंड आवर इकिगाई, इफ वी कैन फाइंड आवर इकिगाई, दैट कैन बी आवर पर्पस ऑफ लाइफ। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 लेसन्स जो आप इकिगाई बुक से लेके अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे है जो कि सभी के लिए अप्लीकेबल है, सब कोई अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं और इनका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग हो सकता है अगर आप करें। तो पहला कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल इज स्टे एक्टिव। नो आई नो, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ अपने परिवार में, रिलेटिव्स में, अदर, जहाँ पे लोग कहते हैं ओके मैं तो 60 साल का हो गया, अभी रिटायर हो गया। इकिगाई कॉन्सेप्ट सेज स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। हो सकता है आपका प्रोफेशन चेंज हो जाए, हो सकता है आपका पैशन चेंज हो जाए, बट अगर आपने ये मान लिया कि अभी मैं रिटायर हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, योर लाइफ विल गेट ओवर। सो नेवर एवर रिटायर, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। कॉन्सेप्ट नंबर दो। दूसरा कॉन्सेप्ट है टेक इट स्लो। नाउ आजकल की जमानी है, इंस्टेंट नूडल का जमाना है, फटाफट व्हाट्सएप का जमाना है, बट जो इकिगाई का कॉन्सेप्ट कहता है कि जल्दी किस बात की है, लाइफ इज सो लॉन्ग। अगर आपके अंदर वो माइंड सेट है कि मुझे 100 साल जीना है, तो एक दिन, दो दिन, एक महीने, दो महीने में कुछ नहीं होने वाला है। वर्क स्लो, टेक इट स्लो, ईजी लो, एंड दे आर आर लॉट ऑफ रिसर्च दैट पॉइंट्स इट, कि जब हम बार बार फटाफट के चक्कर में रहते हैं, इट इम्पैक्ट्स आवर लाइफ। जब हम स्लोली करते हैं एंड डीपली काम करते हैं, तो इट इम्पैक्ट्स आवर ब्रेन इन अ गुड वे। सो डोंट बी इन अ हरी, टेक इट स्लो। तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक हम सबको अप्लाई करने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड डोंट फिल योर स्टमक, 80% रूल। सो व्हाट इज 80% रूल? इकिगाई का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको जितना भी भूख लगा है, उसका 80% खाइए। अगर आपको 5 रोटी की भूख लगी है, तो आप 4 ही खाइए। अगर आपको 5 ग्लास पानी पीना है, तो आप 4 ही पीजिए। बेसिकली आपका स्टमक किसी भी टाइम पे 100% फुल नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ 80% तक भरिए। उससे आप एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर लेथार्जी नहीं आएगी, और साथ के साथ आपकी लाइफ स्पैन भी बढ़ती रहेगी, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो ओवर ईटिंग की वजह से आती हैं, उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चौथा, बहुत बहुत, एंड आई टॉक अबाउट दिस इन माय बुक एज वेल, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। जब ये लोग उस जापान के गांव में गए, तो उन्होंने देखा कि जो जापानीज लोग थे, जो 100-100 साल जिंदा रहते थे, उनके अंदर एक कम्युनिटी की फीलिंग थी। They were working together, they were smiling together, they were having fun together. एक जो camaraderie इसको कहते हैं English में, वो बहुत ही ज़्यादा थी. And that is why they say कि surround yourself with good friends. ऐसे friends के साथ रखो अपने आप को जो एक दूसरे को promote करते हैं, एक positivity देते हैं, एक अच्छा vibe देते हैं, instead of वो friends जो एक दूसरे को pull करते हैं. एक कहानी है कि crab in the barrel, bucket में बहुत सारे crab को, you know, समुद्री कीड़ा जो होता है, crab को डाल दिया जाता है, तो अगर एक भी क्रैब बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बाकी क्रैब उसको पकड़ के खींच लेते हैं, उनको बाहर नहीं जा देते हैं।
आपको ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। यू नीड योर फ्रेंड्स हु आर लाइक बैटरी, जो आपकी बैटरी को रिचार्ज कर देते हैं, जो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, वर्सेस वो फ्रेंड जो आपकी हर बात में आपकी टांग खींचते हैं, जो आपकी हर चीज में निगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रखिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कहता है इकिगाई का कॉन्सेप्ट नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। नाउ आई नो वी ऑल नीड टू लूज वेट, वी ऑल नीड टू टॉक अबाउट आवर हेल्थ, एंड दैट इज व्हाट दे से, ट्राई कि मुझे अगले हफ्ते, मुझे अगले दिन, मुझे अगले महीने बेटर होना है। कॉन्स्टेंटली अपने आप पे वर्क करो, कॉन्स्टेंटली अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया जापानीज में, जैसे कि वहाँ पे कोई भी ज़्यादा जिम और इस टाइप की एक्सरसाइज नहीं करता है, दे आर वॉकर, बहुत लंबी लंबी वॉक पे जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, मस्ती करते हुए जा रहे हैं, बट एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटा वॉक करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ की बड़ी बड़ी जिम के एक्सरसाइज करने की बजाय, दे आर वर्किंग ऑन देयर लॉन्ग टर्म हेल्थ, और आपको भी अपने लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए इसी तरीके से काम करना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6, स्माइल। इट इज एज सिंपल एज दैट। रिसर्च प्रूव करता है कि जो लोग स्माइल करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम तो होगी, नो डाउट, बट अगर आप उस प्रॉब्लम को खुशी के साथ, स्माइल के साथ टैकल करेंगे, तो चांसेस है कि आप उसको और अच्छे से टैकल कर सकें। तो लाइफ इज नॉट अबाउट विशिंग कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइफ इज ऑल अबाउट टैकलिंग ऑल द प्रॉब्लम विद अ स्माइल। दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 6 फ्रॉम द बुक इकिगाई। नंबर 7, वी कनेक्ट विद नेचर। नाउ ये जापान के गांव की स्टोरी है, रिसर्च है, जिसमें वहाँ के लोग नेचर में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। आई नो जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, जब हम अपने लाइफस्टाइल में बिजी हैं, तो हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेचर से रिकनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि थोड़ा टाइम रोज निकाल के कोशिश करिए, वॉक करने जा सकते हैं आप, या कुछ ऐसा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो कि आपको नेचर से रिकनेक्ट करे। अगर आप पॉसिबल है तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली ब्रेक लेके छुट्टियों पे जाइए, वेकेशन पे जाइए, नेचर में जाइए, बट रिकनेक्ट विद नेचर, दैट हेल्प्स यू लिव अप टू 100 years। नेक्स्ट नंबर 8, दैट इज कॉल्ड गिव थैंक्स। आई हैव टोल्ड इट मेनी टाइम्स एंड आई हैव लिसन एंड वॉच्ड एंड रेड इट सो मेनी बुक्स। Gratitude, being thankful, ऐसा find करिए रोज किसी एक को thank you बोलने का। Sometime हम अपने परिवार वालों को thank you नहीं बोलते, sometime अपने colleague को thank you नहीं बोलते, sometime हम अपने groups को, communities में thank you नहीं बोलते हैं। अगर आपको long term success चाहिए, अगर आपको लंबा रहना है, लंबा चलना है, तो आपको grateful होना पड़ेगा, आपको smile करते हुए लोगों को thank you बोलना पड़ेगा। नंबर 9, सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड लिव इन द मोमेंट। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारा मूवमेंट चल रहा है माइंडफुलनेस का, जिसका मतलब है कि आप जिस समय जहाँ पे हो वहीं पे रहो, उसी के बारे में सोचो, ना तो आप पास्ट के बारे में सोचो, ना तो आप फ्यूचर के बारे में सोचो, लिव इन द मोमेंट। बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लगता है कि हाँ कहने में बहुत आसान है, लिव इन द मोमेंट, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो कम इन टू पिक्चर। अगर आप उस मोमेंट में रह रहे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट लेवल, यू आर गोइंग टू बिकम द चैम्पियन, यू आर गोइंग टू बिकम द पर्सन यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी। सो वन स्किल दैट यू नीड टू डेवलप इज द स्किल ऑफ माइंडफुलनेस, विच इज वॉट जैपनीज पीपल मास्टर, एंड दैट्स हाउ दे गो एंड लिव मोर देन 100 years। चलिए बात करते हैं 10वें एंड फाइनल कॉन्सेप्ट जो कि इस बुक में है, एंड वेरी वेरी हेल्पफुल, दैट इज कॉल्ड फॉलो योर इकिगाई। अगर आपको ये पता चल गया कि आपका इकिगाई क्या है, वर्क ऑन इट। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ के वही करिए, बट कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इकिगाई। अगर आपको नहीं पता है तो डू सम सोल सर्चिंग, कुछ एनालिसिस करिए। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोचेस अवेलेबल हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं फाइंड आउट करने में। बट ट्राई टू फाइंड योर इकिगाई एंड देन फॉलो योर इकिगाई। सो दोज आर द 10 लेसन्स। स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, टेक इट स्लो, डोंट फिल योर स्टमक, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, स्माइल,
सॉरी गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, स्माइल, रिकनेक्ट विथ नेचर, गिव थैंक्स, लिव इन द मोमेंट एंड फॉलो योर इकिगाई। आई होप आपको ये सारे लेसन्स, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आए, तो आई एम थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके बताइए कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा ऐसा लेसन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद किया। एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। दिस इज हरितोष श्रीवास्तव, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।